हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नति गेमिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज सैटरडे है और दो मैच है। दोनों ही मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला मैच जो है राजस्थान का और बेंगलोर का है और दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग। दोनों ही मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इस समय राजस्थान रॉयल और बेंगलोर की पिच कंडीशन बताता हूँ और इस मैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि आपको टीम बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज राजस्थान और रॉयल और बेंगलोर का मैच है, ये इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का मैच नंबर 33 यानी कि मैच नंबर 33 है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा दुबई में। ओके दोस्तों, आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, जो कि मैंने हाल ही में टेलीग्राम चैनल बनाया है उन्नति गेमिंग के नाम से। आप उसे ज्वाइन कीजिए और मैच स्टार्ट होने से पहले लगभग 20 से 25 मिनट पहले जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस में मैं आपको 3 टीम दूँगा जिससे आप 100% विन करोगे। और दोस्तों, मैंने अगर आपने ड्रीम इलेवन और या माई सर्कल अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो मैंने इनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब करते हैं मैच की बात। देखा जाए तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल ने अभी तक यहाँ पे 5 मैच खेले हैं इस आईपीएल में। 4 मैच विन किए हैं और 1 मैच लॉस किया है। अगर SCM बेंगलोर की बात करें तो दोस्तों, 5 मैच ही इन्होंने खेले हैं अभी तक, 3 मैच विन किए हैं और 2 मैच लॉस किए हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, दोनों ही मैच का पलड़ा काफ़ी भारी है। दोस्तों, आज मैं बता देता हूं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मोस्ट पिक प्लेयर जो उनसे हमारे होते हैं, 3 प्लेयर होते हैं वो, जो हर बार मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी अच्छी फॉर्म में होते हैं। तो पहला मैं बता देता हूँ देवदत्त पाड़ीकल, दूसरा मैं बताता हूँ विराट कोहली, तीसरा जॉर्ज बटलर। तो दोस्तों, ये 3 प्लेयर आपको अपनी टीम में लेने ही होंगे। आइए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको पिच के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा पिच हमारा कैसा है। दोस्तों, इस पिच पे बैटिंग पिच है, ये काफ़ी अच्छा पिच है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पेसर्स हमारे यहाँ पे 56% विकेट लेते हैं और स्पिनर हमारे यहाँ पे मात्र 44% विकेट लेते हैं। तो दोस्तों, पेसर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे बॉलिंग करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पेसर्स को भी लेना है आपको, स्पिनर पे ज़्यादा ध्यान देना सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे एवरेज रन देखें तो 157 अराउंड बनते हैं यहाँ पे रन, 157 के आसपास यहाँ पे रन बन जाते हैं, एवरेज बन जाता है इतना। आगे दोस्तों, मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। टीम बनाने से पहले मैं एक बार और याद आपको दिला देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उन्नति गेमिंग के नाम से, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कीजिए और मैच स्टार्ट होने से लगभग 20 से 15 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट जितना भी होता है वो टाइम, उस समय जो चेंजेस आते हैं, मैं उस समय आपको 3 टीम बना के दूंगा जिससे आप काफ़ी अच्छा विन कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब टीम की बात करते हैं। तो दोस्तों, न्यू टीम बनाते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ से देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे टीम बनाना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अच्छे जो प्लेयर होते हैं, देखिए ABD आज आपको जरूर लेना है। आप सोच रहे हो संजू सैमसन लूँगा, अगर आप ABD और संजू सैमसन दोनों लेना चाहते हो तो बटलर यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पॉइंट की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आगे दोस्तों, हम बात करते हैं, मैं यहाँ से संजू सैमसन को आज हटाना पसंद करूँगा, क्योंकि संजू सैमसन पिछले 2 मैचों से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। जॉर्ज बटलर काफ़ी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, तो मैं यहाँ से जॉर्ज बटलर लूँगा और ABD लूँगा। ओके दोस्तों, अगर हम यहाँ बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में मैं विराट कोहली लूँगा, फिंच में हटा दूँगा यहाँ से, फिंच भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, स्मिथ भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसे भी मैं हटा दूँगा और यहाँ से देवदत्त पाड़ीकल लूँगा। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए दोस्तों, जो प्राग है हमारा, इससे केवल 25% लोगों ने लिया है, जो कि केवल उन लोगों ने लिया होगा जिन्हें पॉइंट का इशू आ रहा होगा, यानी कि पॉइंट की प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ से पराग को लूँगा। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे ऑलराउंडर में बात करें तो ऑलराउंडर, तीनों ही ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आप सुंदर भी ले सकते हैं, सुंदर भी काफ़ी अच्छी फॉर्म पे हैं, दुबे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1 2 3
टॉप तीनों ऑलराउंडर लीजिए, ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और काफ़ी अच्छे कर भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो बेन स्टोक एक मैच में काफ़ी अच्छा चले थे, दूसरे मैच में हालांकि फ्लॉप हो गए थे, लेकिन आज इनकी चलने की काफ़ी उम्मीद है। ओके दोस्तों, तो आप जॉर्ज बटलर लोगे ये भी अच्छी बात है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और बेन स्टोक लोगे ये भी बहुत ज़रूरी है, ये दोनों प्लेयर आपको लेने ही लेने हैं। दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो मैं यहाँ से आपको आर्चर लेने के लिए बोलूँगा, और दोस्तों यहाँ से चहल हम पॉइंट के कारण अगर हम ये चहल ले लें तो देखिए दोस्तों पॉइंट नहीं बचेंगे, इसलिए हम यहाँ से चहल नहीं ले सकते। मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि आप यहाँ से सिराज को लीजिए। ओके दोस्तों, और एक हमारा त्यागी जी, ये देखिए दोस्तों हमारे पॉइंट बच भी गए हैं, आपको चेंजेस भी करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। चलो मैं कहता हूँ कि सिराज की जगह हम दे सकते हैं, उड़ाना भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि उड़ाना तो हमारे अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो आप यहाँ से सिराज को ही लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये हमारी टीम बनती है, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छी टीम है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो दोस्तों चेंज भी कर सकते हो, ये मैंने आपको वो टीम बना के दिखाई है कि जो अगर आप इस टीम से खेलोगे तो कुछ ना कुछ विन कर जाओगे। चलो दोस्तों मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कौन कौन रखने हैं। तो मैंने जो रखे हैं, अगर मैं अपने दिमाग से बताऊँ तो मैंने जॉर्ज बटलर को कैप्टन रखा है और विराट कोहली को वाइस कैप्टन रखा है। ओके दोस्तों ये देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से जॉर्ज बटलर को यहाँ से कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन रखा है। ये देखिए दोस्तों ये मेरी टीम है, आप भी ऐसी टीम बना सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।